गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, आज हम करेंगे चैप्टर 9 टाइम में एक्सरसाइज 9.3। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें ए एम और पी एम, आपने कभी टाइम जब आप बताते हो तो बताते हैं ना कि हम टाइम क्या हो रहा है, मॉर्निंग का है इवनिंग का है, तो हम इसमें ए एम और पी एम को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए एम क्या है, एंटी मेरिडियन। इसका क्या मतलब है, बिफोर मिड डे, मिड डे से पहले का जो समय होता है उसको हम किसमें काउंट करते हैं, ए। अब मिड डे क्या है, देखो 12 o'clock मिड नाइट से लेके 12 o'clock नून तक, मतलब 12 नून जो टाइम है ये डे का मिड डे होता है ना, तो इससे पहले का जो टाइम होगा, देखो जो रात को 12 o'clock से मिड नाइट से जो स्टार्ट होगा और 12 o'clock नून तक का जो टाइम होगा उसको हम किस में काउंट करते हैं, ए एम एंटी मेरिडियम। ओके, ऐसे ही है पी एम पोस्ट मेरिडियम, मतलब आफ्टर मिड डे, मिड डे के बाद का टाइम, जैसे 12 o'clock दिन में जो 12 o'clock नून में बजते हैं वहां से लेके 12 o'clock मिड नाइट तक, मिड नाइट रात के 12 o'clock तक। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि जो 12 o'clock रात्रि से जो नाइट में जो स्टार्ट हो जाता है वहां से 12 o'clock नून तक का जो टाइम है वो ए एम का टाइम है, और पी एम का टाइम कौन सा है, 12 o'clock नून से लेके 12 o'clock मिड नाइट तक। ओके, अब उनसे कोई पूछे द सनराइज, सूर्य अब कब निकलता है, ए एम या पी एम, तो हम क्या बोलेंगे, ए एम। ओके, फिर उसके बाद है गोज टू स्कूल, कि हम स्कूल जाते हैं ए एम में जाते हैं या पी एम में, ए एम। ओके, और स्लीप एट नाइट, रात को जब हम सोते हैं, नाइट में जब हम सो जाते हैं तब कौन सा टाइम होगा, पी एम। ओके, और हम इवनिंग में प्ले के लिए जा रहे हैं, प्ले के लिए जब हम जाएंगे तब कौन सा टाइम होगा, ओके, प्ले इन द पार्क, जब हम पार्क में खेलने के लिए गए हैं तब कौन सा टाइम हो जाएगा, ए एम या पी एम। यस, सोचो, इवनिंग में प्ले करने के लिए जाएंगे, मॉर्निंग में तो जाएंगे नहीं, तो इवनिंग का जो टाइम होगा वो होगा पी। ओके, अब ये सोचो कि जब हम उठ गए सुबह 11 o'clock हमारा लंच होता है स्कूल में, तो उस टाइम कौन सा टाइम होगा, ए एम या पी एम, ए एम होगा ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल भी करनी है, नोटबुक में भी करना है। थैंक यू।